सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों आज पहुंच रहे हैं इसार के कुंभा गांव में और आड़े देखोगे आप पूरी की पूरी बिल्डिंग का चकरदर जैक लगा रखे हैं। तो ये लोग कड़ेताओं हैं, केक रहे हैं, क्यूकर लगा रखे हैं। तो एक बार भीतर चाल कर पूछेंगे कि कड़ेताए हैं जो ये चकरदर जैक लगा रखे हैं, चकरदर वो लगा कर पूरी बिल्डिंग 60 लाख की कोठी रोक रखी है, तो क्यूकर रोक रखी है, कड़ेताओं है। तो आप देख भी लो कि चारों तरफ बिल्डिंग के लगा रखे हैं जैक और जैक का पया कोठी रोक रखी है। तो क्या इस कोठी के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 60 लाख की कोठी जैक का रोक रखी है। राम राम जी, मेरे बेटे का फोन आया। राम राम जी। अच्छा अच्छा, हाँ कर लो आप बात कर लो। तो हम एक बार मिस्त्री से मिलना चाहेंगे। नहीं, वीडियो कॉल आई। आपकी है या? हाँ जी हमारी है जी। तो यह इस पर क्या दिला रखी है? ये बस थोड़ी सी नीम की कोई दिक्कत आ गई थी जी, इसी वजह से। वो मिस्त्री कड़े में लगा हमने जिन्हें जैकअप लगा रखी है। वो उधर है जी, अंदर है, अंदर जी। है। हाँ जी। तो भाई आप एक बार देख लो, चारों तरफ है ना पूरी की पूरी कोठी है 60 लाख की, वो जैक पर ठा रखी है, जैक लगा कर है। और इधर भी जैक लगा कर ये देखो लोहे के पाइप लगा रखे है। तो इसे से लोग कड़ेता हुआ है कि जो जैका पे पूरी की पूरी कोठी ना थाम दे तो उस मिस्त्री से मिलवाओगे तुमने कि वो मिस्त्री कौन है ऐसा जो पूरी की पूरी जैका पे लगा रखे कि यो भी ला रखा खाड़ है। तो यो लेवल मपन खातर तो इसने देखेंगे। तो यो मिल गया हमने मिस्त्री। राम राम मिस्त्री जी। राम राम है सभी दर्शकों को। देसी इंजन कृष्ण दांगड़ा के राम राम भाई, नंबर 9975185000। देसी इंजीनियर कृष्ण दांगड़ा। कृष्ण दांगड़ा देसी। हाँ जी, जमा देसी। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जैकअप रोक रखी है। यही तो बात है, जब इस देसी बोला हमने। अच्छा। हाँ, बिल्डिंग ऐसे था ये बनते बनते ये नीम देखना, देखिए निकालना क्या है नीम के अंदर, कुछ भी नहीं था। बिल्डिंग चाव में चाव में और प्यार में चाव में बनाई थी। बस कुछ महीनों में कहूँगा बिल्डिंग भी बढ़िया बन गई थी नीम की वजह से, या कुछ नज़र लग गई, कुछ भी लगा लो, इतनी प्यारी ही चीज़ तैयार होगी। ठीक है, कौन अब भी तैयार हो जाए 10 इंच एकदम से झुकी, 2 या 3 10 इंच। अच्छा, अगर एक दिन और ना संभालते ना इसको, ये बेकाबू हो जाती है। मतलब बेकाबू, पूरी की पूरी कोठी तो पड़नी थी, आस पड़ोस का भी भारी नुकसान। हाँ, वो नुकसान सबसे ज़्यादा था। इन्होंने जल्दी करके संभाल दिया, हमने आगे इसकी पकड़ कर ली, हमने बिल्कुल खतरे से बाहर है। 10 इंच में 2 इंच सीधी कर दी है और अब ये ठीक हो जाएगी भाई। एक चीज बता दे, हमने तो ये वो है, हमने सोचा भी नहीं कौन सा मिस्त्री है और कड़े तार है सारे का जैक लगा रखे, लेकिन देखा तो पुराना वो है देसी मिस्त्री है कृष्ण जांगड़ा, जिसने चकरदे का लगा रखी है जैक और कोठी ठा दी है ऊपराना है, क्योंकि 10 इंच झुक गई थी कोठी। अगर पड़ा है ना तो 60 लाख की कोठी का तो नुकसान था, साथ में अड़ोस पड़ोस में जान माल सारी चीजा का नुकसान था। अगर लेट हो जाते तो एक दिन और लेट हो जाते ना, ये बेकाबू हो जाती है, ये तोड़ने वाला भी इसके ऊपर खतरा हो जाता है। मकान तो नया है? मकान नया है, काम शुरू है, ऊपर बीच में कोई दरार कहीं नहीं है। ये बढ़िया, नीचे से बराबर झुक गया, ऐसे प्लेट की तरह ऐसे झुक गया, ये कमजोर दीवारें थी नीचे से। जैक लाकर उधर तठाओगे? हाँ बिल्कुल, एक दिन में सीधा होगा। ये हमारी नीम रहेगी, एक ये रहेगी, दो नीम मारा जिसको बदलते सीधा। मतलब कई दिन तक लग रहे हो आप इस काम पे? आज 10वां 11वां दिन हमारे। 11वां दिन। हाँ, और कई दिन और लग जाएंगे मिस्त्री जी? 7-8 दिन और हमारे लगेंगे। उसमें पूरा सीधा हो जाएगा? वो रहेगा पूरा सीधा, जैसे वो सीधा था ना उससे भी आधा इंच इधर झुका के जाऊंगा। मतलब बेरा कुकुर पटक सीधा हो गया, क्योंकि हमारे पर तो देखेंगे हमने टेढ़ा होया दिखता ना सीधा होया दिखता। नहीं बेटा, मैंने ऐसे लगा है, आप काम तो नहीं सीख रहे मेरे से? नहीं। हाँ, मैंने लगा है। सारी बात थोड़ी बारीकी से पूछ रहे हो। हम तो काम सीखेंगे, फिर आप थोड़ा लग गए जाएंगे गिला काम करवाने में। मोटा ऐसा बताऊंगा, बिल्कुल मोटा। ये बांध रखा है ना? हाँ, मैंने देखा था, लट्टू वाला लटक गया। ऊपर वाले पर्दे से कितना दूर है? 3-4 इंच दूर है। हाँ। नीचे वाले पर्दे से इतना ही गैप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला पर्दा तो दूर है, ये बराबर गैप आ जाएगा। अच्छा, अब तो देखो छोटा होने कम हो जाएगा नीचे से। हाँ, इसके सारे लग रही है ऊपर लेके सारा लग रही है, गैप है ऊपर से ज्यादा ज्यादा गैप, बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएगा, तब पता चलेगा की सीधी होगी। समझ लो ये तो एक काम और भी हो गया। हाँ। ये बहन जी सीख गई, कमी रह गई तब कहते ना मिस्त्री जी हो या नहीं। हाँ, ये तो पता चल गया, घर आया नहीं भी। ये तो पता चल गया, वो कहते हैं ना दुकानदार ही चौकस करे अगर ग्राहक को, वो बात होती है। अच्छा मिस्त्री साहब, उड़ा एक फित्ता भी लगा रखा है। हाँ, फित्ता ऐसा है, इसका अलजबरा सबसे जरूरी है। एक इस कोना पे एक, वहाँ से 1 इंच उठेगा, बीच में से 1.5 इंच, उधर से 1/2 इंच टेढ़ापन है ना। मतलब है ना, हमने जितना मुआयना कराया देखे, मतलब घना चौकसी का काम है। चौकसी का काम घना का सुता।
कुछ तो जानकार में हूँ, कुछ आप जैसे सिखा दे मेरे को। अच्छा, दो जगह ट्रेनिंग ली थी जी मेरे फूफा ने। अच्छा। एक तो कानपुर में, एक लखनऊ में। अच्छा जी, जाएगा नहीं है बांगे सीधे करण भाई कह रहे। मतलब है ना, हम भी पहले भी देखा है बांगे सीधे नहीं है, ये चला भी दे हैं, पैर भी ला दे हैं। वो कह अगर के पैर ला करे घर का, तो ये पैर लगा दे हैं घर का, पैर लगा दे हैं घर का, तो पैर लगा दो सर घर का। पैर के वो बोला, वो आया था ना, बोला कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोग बताओ और तुम्हारे दर्शन है। कौन से जिले ताव है, कौन से गांव ताव है, संस्कार संस्कार सबसे बड़ी चीज है। वो देखा उनका देवता हमारा भी है, उसको इतनी बढ़िया चीज सिखाने लग रहे हैं, संस्कार हैं, संस्कार हैं, वो चीज ऊपर उठाती हैं, हैं? फिर कुछ अपने अंदर भाव होता है, बोले क्या है, हम कम खाते हैं और कम खाते हैं, जब जाके काम चलता है। ये न्यू और बता दो सर, देखो आपने चीज है ना गोल दी, पर न्यू बता दो आउकड़े तो हो। मैं सफेद रहता हूँ, गाँव मेरा अलेवा है, अलेवा जींद का अलेवा गाँव। हाँ अलेवा, मर्द गांव है, अलेवा गांव से आते हैं। और घर को उठाते हैं, घर को उठाते हैं। तो भाई यो घर उठने लग रहा है, और तीन चार एक हफ्ते में और बताओ कि पूरा का पूरा उठ कर सीधा हो जाएगा, तो हमने भी बेरा पट गया ही। सर को सीखने लग रहे, तो कुछ तो हम भी सीखेंगे आए हैं, तो कुछ तो हमने बेरा पटाया क्यों मैम। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और मैम ने तो बेरा पट रहा है, इतना होगा जब सीधा होगा, इन मिस्त्री का हटवाद भी नहीं कर सकता। इसके सीट में था लट्टो, ये भी थोड़ा इधर है ना, मतलब तो लगा हमने सीधा हो गया, सही हो गया। वहाँ से इतना उठाना, वहाँ से इतना, वहाँ से काम तो इन्हीं ने करना है। बिल्कुल, ये काम होगा मेरा तो। मतलब कोठी बनने कब शुरू हुई थी मैम? 17 नवंबर को। नवंबर को, हाँ जी। मतलब बनते बनते ही टेढ़ा हो गया? हाँ जी, बस बनते बनते ही टेढ़ा हो गया। और नीचे तो मजबूती नहीं थी? हाँ मजबूती नहीं थी नीचे से, और कुछ जैसे जो त्राई वगैरह की, तो इस कॉर्नर में पानी वगैरह भी चला गया पुरानी जैसे भी। हाँ जी। मतलब भाई देखो मैं बता दूँ, आपने ना मिस्त्री साहब बता देंगे के मामला था। मामला मैं एक और बता दूँ, एक कहावत हो रही है भाई, बोला छोटा बड़ा थोड़ा मिस्त्री हो ना, उसमें ऐब हो जाता है, थोड़ा पॉपुलर रहा था बड़ा। हम हाँ भाई, कर बड़ा मिस्त्री तो कहूँगा, हमारे में कोई ऐब नहीं है किसी भी प्रकार का, ना कोई आदत है। ये तो विदेश से ही फेमस है। फिर भी न्यू के न्यू है, देसी फिर भी देसी है, देसी है। तो इसने देसी मिस्त्री का आग रहा है। खड़े होते ना गाड़ी में जाता हूँ ना, बस एक बन को देखा और देखेगा, मैं ओए हूँ भाई, जैसा सोच रहा मैंने, हो गया था वो, हो गया था वो, नहीं रहा। तो देसी मिस्त्री की विदेश से ही फैन फॉलोइंग है, और ये घराने सीधे करते हैं, आगे भी चलाते हैं, टेढ़े भी घुमाते हैं, और आगे भी इनके जो प्रोजेक्ट हुए हैं ना, वे बड़े बड़े हों, वो आपने दिखाते रहेंगे। तो भी आप देख लो, तो ये जैक लगा कर गिले नीम भर लाग रहे हैं, मजबूती वाले नीम भर हैं। तो मतलब जो घर तो बना दिया ऊपर तो 3 मंजिला, लेकिन अगर नीचे नीमा की बात करें तो पुरानी नीम थी और मिट्टी से चिनाई करी गई थी, तो ऊपर के वजन तक जो नीचे की नीम थी वो नीचे दबगी और घर टेढ़ा हो गया। और शुक्र है कि टाइम तक घर आने वाची छमाड़ भी ली है, ना तो घर तो गिरा ही था, चलो घर तो गिर जाए कोई बात नहीं, इनका अगर पीसा दिल्ली आनी जानी चीज़ है दोबारा लग जाए, लेकिन अड़ोस पड़ोस में जितने 3-4 घर लागते थे, अंदर आदमी थे, तो किसी भी टाइम कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो इन टाइम रहते घर आड़ा ने देसी मिस्त्री कृष्ण जांगड़ा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। तो आज 11-12 दिन हो गए हैं, और कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर घर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देसी मिस्त्री कृष्ण जांगड़ा का काम किसा लग गया कि पूरा का पूरा घर हवा में ठा रखा है? और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाएंगे गुरुद्वारे के, दिखाओगे घुमाने के, चलाने के, स्कूल को चलाने के, ये स्कूल का भी लगा दे हैं, पैर घरा का भी लगा दे हैं, अरीब की बुरिया लगाओगे गुरुद्वारे का। हमारे पास तो जी शमशाना में टंकी थी पानी की, शमशान के अंदर टंकी पानी की थी, वो उसका जो पानी पीने का रास्ता था वो गली की तरफ था। तो बोले भाई ये हाथी साइड है, तो जमुर्दे को चलाने के बाद तो उसे साइड घुमा दिया। मतलब पाड़न तोड़न की कती जरूरत नहीं? ना जी, मतलब है नहीं, पानी की टंकी भी घुमा दीजिए। बने पड़े तोड़े आदमी इतरिया घुमा दे हैं, न्यून झुकर आदमी न्यून मुंह कर लेना, ये टंकिया के मुंह सब क्या है के मुंह न्यून कर दे हैं। तो देसी मिस्त्री का काम आपने किसा लगा होगा, पहले भी वीडियो देखी होगी तो जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।